शेक चैलेंज। तो बेसिकली इसमें होने क्या वाला है कि मैं ब्लाइंड फोल्डेड होंगी और मुझे जैसे दो तीन जैसे यहाँ पे अभी पड़े हुए हैं ऐसे तीन राउंड होंगे शायद, वहाँ पे आएंगे मेरे पास ऑप्शन और मुझे ब्लाइंड फोल्डेड उनको पिक करना है और उसके बाद मैं अपने सारे इस बोल में सारे अपने जो मैं पिक करती हूँ उसमें डाल दूँगी। उसके बाद लास्ट में पूरे सबको मिला के मुझे अपना मिल्क शेक बना के आपके सामने पीना भी दो। हाँ चलो स्टार्ट करते हैं, पहले मैं ब्लाइंड फोल्ड हो जाऊँ। राउंड नंबर वन और ये राउंड है हमारा चॉकलेट राउंड। चलो कैमरा मैन मम्मा बता दो क्या क्या ऑप्शन है, मुझे किसी पता नहीं है। ऑप्शन है कैडबरी डेयरी मिल्क, कैडबरी फाइव स्टार एंड डेयरी मिल्क सिल्क ओरियो। ओके तो मुझे वैसे तो ओरियो ही पसंद है मैं। वो चीटिंग कर लेगी क्योंकि पता है ओरियो को तो टच करने से पता चल जाता है। नहीं चीटिंग नहीं, ऐसा नहीं है ना, ऐसे पूरा मिक्स है। अब जो मैं पहले चूज करूंगी मुझे पता नहीं, अब ऐसा पूरा हो गया है, अब मुझे पता नहीं जो मैं पहले चूज करूंगी वो होगा मेरा, ठीक है। तो ये चीटिंग ही होगी। मिला है डेयरी मिल्क नॉर्मल, ये भी अच्छी है, कम से कम फाइव स्टार मिली क्योंकि मुझे फाइव स्टार एकदम अच्छी। ओरिजिनल नॉर्मल तो सारे ही हैं, वो ओरिजिनल ओके सॉरी ओरिजिनल, तो मुझे अच्छा कि फाइव स्टार मिली क्योंकि मुझे एकदम अच्छी नहीं लगती है। चलो इसको अपने बाउल में डालते हैं, चलो इसको बाउल में डाल दिया, अब नेक्स्ट राउंड पे चलते हैं। बिस्किट है जिम जैम एंड ओरियो। ओके ओरियो कौन सा फ्लेवर? ओरियो चॉकलेट फ्लेवर लग रहा है। ओके चॉकलेट फ्लेवर, और मेरे लिए कि मैं चीटिंग ना करूं कि एक पैकेट में आकर एक अलग अलग पैकेट उसमें ये सेम से उसमें कर दिया है, शायद सेम से बाउल में सेम से कंटेनर कर दिया ताकि मुझे चीटिंग ना कर पाऊँ मैं। तो हाँ इसको अगर मैं कर भी लूँ तो मुझे कुछ पता नहीं चलेगा कि कौन सा है, तो ये एकदम बेस्ट पॉलिसी। और मुझे जैम वाली उतनी अच्छी नहीं लगती, तो मुझे ऑफ कोर्स ओरियो ही चाहिए, बट मुझे अभी कुछ पता नहीं चल रहा है कि मैं कौन सी पिक करूं। इसमें मैं चूज कर सकती हूँ, ये इसमें फर्स्ट टच नहीं है क्योंकि उसमें मुझे पता था कि किसकी कैसी पैकेजिंग है, पर इसमें मुझे कुछ पता नहीं इसलिए मैं इसका फर्स्ट टच वाला पॉलिसी नहीं है इसमें। ये क्या ने चूज किया जिम जैम। नो आई डोंट लाइक जिम जैम, मुझे एकदम जिम जैम अच्छी नहीं लगती है, मुझे ओरियो चाहिए था। चलो कोई नहीं, अब यूज तो कर ही लिया इसको तो क्या करें, ये भी हमारे बाउल में जा चुका है। अब चलो नेक्स्ट राउंड। राउंड नंबर थ्री है हमारा और ये है हमारा कौन सा राउंड, कैंडी राउंड। यस कैंडी राउंड और टॉपिंग राउंड कोई भी, क्योंकि ये शायद मुझे लगता नहीं है कि मिल्क शेक में सही है, तो टॉपिंग के भी मैं यूज़ करूँगी और कैंडी में भी। तो बता दो कौन कौन से हमारे पास। फर्स्ट है जेम्स है और सेंटर फ्रूट का सॉफ्ट चूज है, ये बीच में क्या है, ये नॉर्मल सा टॉपिंग है, जेली कैंडीज टाइप है। फ्रूटी जेली कैंडी और जेम्स है और सॉफ्ट क्यूब है, मुझे जेम्स ही चाहिए क्योंकि एक तो मुझे बिस्किट में बहुत गंदा वाला मिल चुका है जो कि मुझे एकदम अच्छा नहीं लगता है, जेम वाला मुझे एकदम मुझे ओरियो चाहिए था। मुझे भी वो जिम जैम बहुत गंदा लगता है यार। वो एकदम जैम वाला होता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मम्मी और मेरी सेम ही चॉइस। तो हाँ अब इसमें मुझे ये जो फ्रूटी चॉइस वाली वो तो एकदम चाहिए। मुझे तो अभी ये हो रहा है कि हमारा मिल्क शेक जो बनेगा वो मैं पीऊंगी कैसे, एकदम अजीब सा चॉकलेट एंड ऑल तो पता नहीं कैसा सा टेस्ट होने वाला है। चलो इसको पैक कर, और इसमें जो कि पैकेजिंग अलग अलग है, आई मीन अलग अलग नहीं है सेम सी है, तो मुझे पता चल जाएगा सेम है अजीब अलग अलग है, सॉरी मैं कन्फ्यूज़ हो रही हूँ, अलग अलग है तो मुझे पता चल जाएगा, इसलिए फर्स्ट टच है तो मैं पहले इसको थोड़ा वो कर रही हूँ। अब इसमें से मैं जो भी चूज करूंगी अब इस टेबल पे वो मेरा होगा।
ये तो एक अच्छा मिल गया चॉकलेट फिल वाला, तो ये तो अच्छा हो गया। चलो ये हमारा लास्ट राउंड था, 3 राउंड थे। तो हमारा सिरप में तो हर चॉकलेट वाला सिरप ही होगा, क्योंकि और कोई सिरप अच्छी नहीं लगती और कोई सिरप अभी अवेलेबल नहीं थी, तो हाँ सिरप तो वही होगा और बाकी सब ये। तो ये भी हमारे बाउल में चल चुका है और हम इन तीन से, इन तीन ऑप्शन से, हर्शीज के चॉकलेट सिरप से और कौन से उससे, हाँ मिल्क से, ऑफकोर्स मिल्क से, मिल्क चॉकलेट सिरप और ये सब हमारे जो ऑप्शन हैं, हम इनसे बनाते हैं मिल्क शेक जाके और उसके बाद यहाँ पे आके पीते हैं। पता नहीं कैसा टेस्ट होगा क्योंकि जिम जाम आ चुका है इसमें, जो कि मुझे चाहिए नहीं था। ओरियो अगर आता तो कम से कम चॉकलेटी टेस्ट आता, पर क्या करें, बना के मिलते हैं। बाय बाय तब तक। और बनाने से पहले हमारा मिल्क शेक जो सर, ये है हमारा एक बोनस राउंड जिसमें ये है हमारे पास फ्रूट केक जो कि टूटी फ्रूटी फ्लेवर्ड, जो कि मुझे डालना पड़ेगा अगर ये एस और किंग, सॉरी एस और किंग नहीं, जोकर और किंग वाले में अगर मैं जीती तो, नहीं हारी तो, सॉरी हारी तो, तो मुझे अगर मुझे किंग मिला तो मुझे नहीं डालना पड़ेगा, लेकिन अगर मुझे जोकर मिला तो मुझे डालना पड़ेगा। और अब इसका कैसे करेंगे कि जैसे अब मुझे जरा से वरना दिखे गई तो मम्मा आप फोन करो वैसे अपने हैंड में। ओके तो विच वन शुड आई पिक, चॉकलेट भी और उसके बाद जैम भी, फिर टूटी फ्रूटी केक भी, तो पता नहीं कैसा सा होने वाला है मिल्क शेक हमारा। एनीवे देखते हैं बना के, उसके बाद यहीं पे पीते हैं और टेस्ट रिवील करते हैं। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट, अब पता नहीं कैसा टेस्ट करता है क्योंकि इसमें जिम जैम, डेरी मिल्क की ओरिजिनल चॉकलेट है, हर्शी सिरप है, मिल्क है ऑब्वियसली, और जैम है, और हमारे चॉकलेट ही है पर उसमें जिम जैम का थोड़ा सा आ गया, और जो केक था टूटी फूटी उसका उतना टेस्ट नहीं आया क्योंकि मैंने ज़्यादा डाला नहीं था, और जो वो है जैम का थोड़ा सा टेस्ट आया बट ज़्यादा चॉकलेट है, क्योंकि जैम्स चॉकलेट और हर्शीज चॉकलेट सिरप, तो तीन चीज़ें चॉकलेट चॉकलेट हो गई, तो उतना बुरा भी नहीं पी सकते हैं पास। तो ये सब आप ट्राई कर सकते हैं, ये वाली वियर्ड सी जो हमने एक्सपेरिमेंट की थी पर वर्क कर गई। और मुझे इसमें मन था कि ओरियो आए, उसके अलावा दो चीज़ें जो मुझे एकदम मनी थी, एक तो जो जिम जैम मिला मुझे उसके जगह मुझे ओरियो चाहिए था, और एक जो हमें टूटी फ्रूटी केक मिला वो भी चाहिए था, बट उसके अलावा भी फिर भी ये बहुत चॉकलेटी है, तो हाँ मुझे अच्छा लगा ये। तो आप भी ऐसे ही अपने फैमिली के साथ या अकेले जैसे मैंने अकेले किया, या फिर आप अपने फैमिली के साथ भी कर सकते हैं, ट्विन टेलीपैथी करके कर सकते हैं कि हम मैच भी करें, और एक एक्सपेरिमेंटल वाला भी हो गया कि हम ब्लाइंड फोल्डेड भी हो और ट्विन टेलीपैथी भी हो, वैसे आप कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई जैसे फैमिली मेम्बर, आप अपने सिबलिंग या कोई पेरेंट भी कर सकते हैं, और अगर आपको अकेले करना है तो मेरी तरह कर सकते हैं ब्लाइंड फोल्डेड, पर हाँ इससे मज़ा भी हो जाएगा और कुछ नया एक्सपेरिमेंटल ट्राई भी हो जाएगा। तो यार इसके ये तो मेरा पास है ऑफ कोर्स। तो आपको भी ये वीडियो अब अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना, और ये ज़रूर 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 ट्राई करना, या तो आप अगर अपने सिबलिंग के साथ करना ट्विन टेलीपैथी प्लस ब्लाइंड फोल्डेड, या फिर अगर आप अकेले करते तो सिर्फ ब्लाइंड फोल्डेड, बट ट्राई ज़रूर करना बिकॉज ये अच्छा भी जा सकता है बुरा भी जा सकता है, पर हाँ मज़ा ज़रूर आएगा और कुछ नई एक्सपेरिमेंटल चीज़ ट्राई करने को भी मिलेगा। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑब्ज़र्व केयर।